चार जिंदगियां साढ़े तीन साल दो अलग अलग जगह है। मासूक के मोहब्बत की मधोसी ने देखते ही देखते दरिंदा बना दिया। दरिंदगी की भी तो ऐसी कि चार चार जिंदगियों को मोहब्बत में फना कर दिया। मोहब्बत के सबसे बड़े बारगाह की सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस की मंजू और उसके प्यार में पागल उसका प्रेमी राकेश अपनी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने शवों को ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर के अंदर बेसमेंट में कभी न खुलने वाले राज की तरह दफना दिया। किसी को पता न चले इसके लिए बेसमेंट के ऊपर सीमेंट की दीवार बनवा दी थी। देखिए, जो हत्या का खुलासा कासगंज पुलिस द्वारा किया है, चार मर्डर्स का एक साथ एक व्यक्ति द्वारा करने के बाद जो खुलासा जो है वो किया गया है। ये मर्डर का खुलासा, चारों मर्डर्स जो है लगभग पौने चार साल पहले राकेश नाम के व्यक्ति ने इसने किए थे। उसने अपने परिवारजनों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर, इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, जिसमें इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने बच्चों की, दो बच्चे 1.5 साल और 3 साल, और अपनी पत्नी की हत्या कर की थी। इसने तीनों डेड बॉडीज़ को अपने ही घर में गाड़ के उसमें सीमेंट का फ्लोरिंग उसने बनवाया था। इसके बाद राकेश ने अपनी पत्नी और बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाई, लेकिन राकेश के ससुर को यह बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि राकेश और उसके पत्नी के संबंधों में अनबन के बारे में आए दिन शिकायत मिलती रहती थी। लिहाजा उसके ससुर ने राकेश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अपहरण का केस दर्ज कराया। नेक्स्ट दिन यह व्यक्ति नोएडा पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी संदेहास्पद होती है, इसीलिए लड़की के पिता को कुछ संदेह होता है। वो 156-3 में लगभग 6 महीने बाद नोएडा में एक मुकदमा कायम करते हैं दहेज उत्पीड़न का और अपहरण का, क्योंकि 6 महीने तक इसमें कोई जो है वो प्रगति रिकवरी नहीं होती है। अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर राकेश सकते में आ गया और उसे लगने लगा कि कहीं पुलिस जांच में उसके कत्ल का राज न खुल जाए। इसके लिए प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर एक और खूनी खेल खेला। दोनों ने मिलकर कासगंज के दोस्त को निशाना बनाया और दुनिया से अपनी पहचान छिपाने के लिए राकेश ने राजेंद्र उर्फ कलवा का कत्ल करके उसको अपने कपड़े पहना कर अपने मौत का नाटक किया। इसी बीच में इन मर्डर्स के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इस व्यक्ति ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर और एक ये जो घटना है वो कारित करता है। इन तीनों मर्डर्स को छुपाने के लिए और खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि खुद की मृत्यु हो चुकी है, या एक व्यक्ति जिसका नाम कलुआ है, जो इसी के जो है गांव गंगीरी अलीगढ़ के रहने वाला है, उसको ये दोनों लोग शराब पिलवाने के लिए कासगंज लेकर आते हैं। कासगंज में इसकी सर काट के, हाथ काट के इसकी हत्या करते हैं। उस डेड बॉडी को राकेश अपने खुद के कपड़े पहनाता है और वहाँ पे LIC का अपना पहचान पत्र भी डाल देता है, ये करवाने के लिए कि ये तो राकेश की ही डेड बॉडी है, अन्य किसी की नहीं है। अब यहाँ से नोएडा में हुए 3 और कासगंज में हुए 1 कत्ल की गुत्थी के सुलझने की कहानी शुरू होती है। दरअसल कासगंज में 2 FIR दर्ज की गई, पहली कलुआ के गुमशुदगी की और दूसरी राकेश के कत्ल की। कलुआ के पिता ने तहरीर में बताया कि उसका बेटा राकेश के साथ गया हुआ था जो गायब है, जबकि राकेश की सर कटी हुई लाश मिली है। उधर राकेश के पिता ने कलुआ की डेड बॉडी को अपना बेटा समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस की जांच जारी रही, क्योंकि पुलिस को मौके पर राकेश की सर कटी हुई लाश मिली थी, इसलिए पुलिस राकेश के माँ बाप और कलुआ के माँ बाप के DNA सैंपल लिए और जाँच कराया। जांच में लाश से लिया गया DNA सैंपल राकेश के माँ बाप के सैंपल के बजाय कलुआ के माँ बाप के सैंपल से मैच किया। अब कासगंज पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं कलुआ का कत्ल राकेश ने ही किया है और अपने कपड़े पहनाए हैं। पुलिस ने राकेश की तलाश तेज की तो वो पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो राकेश ने नोएडा से लेकर कासगंज तक की एक एक कहानी पुलिस के सामने को बोल दी, जहां उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने परिवार को दफन करने की दास्तां भी बताई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जब ग्रेटर नोएडा के घर पर खुदाई कराया तो कंकाल भी बरामद हुए। इसी डेड बॉडी को षड्यंत्र के तहत राकेश के पिताजी और घरवाले क्लेम करते हैं।
इसमें एक मर्डर का मुकदमा उस समय पे कायम होता है जो अभी तक पेंडिंग चल रहा था। इसकी परीक्षण रिपोर्ट डीएनए जाती है। परीक्षण रिपोर्ट में एक महीने पहले जब एक रिपोर्ट हम लोगों के पास आई थी तो ये ज्ञात हुआ था कि इसका जो डेड बॉडी है इसका राकेश और उसके पिताजी और उसकी माताजी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई मैचिंग नहीं हुआ है। इसीलिए और एक डीएनए रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है, उसमें ये पता चलता है कि ये डेड बॉडी जो है वो कलवा की है, क्योंकि उसका अवशेष जो है कलवा के पिताजी के साथ मैच होता है। मेरे द्वारा इसमें 3 टीमों का गठन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।